हमारे कैमरे के सामने हैं राजपा के तारापुर के उम्मीदवार उपेंद्र साहनी जी, और ये प्रचार के क्रम में यहाँ कुआगढ़ी पौड़िया पहुँचे हैं, चौक पर हैं और ये कुछ अपना उद्गार प्रकट करते हैं। बताइए अपना कुछ। देखिए, हमारा नाम उपेंद्र साहनी है और राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी के प्रत्याशी हूँ, और तारापुर उपचुनाव जो हो रहा है उसमें हम फाइट कर रहे हैं। देखिए, इससे पहले जो भी जनप्रतिनिधि जीता है वह तारापुर का विकास के लिए काम नहीं किया, सिर्फ घोटाला किया है, अपना पेट भरने के लिए काम किया है और तारापुर के विकास में कोई सहयोग नहीं किया है। लेकिन यहाँ के जनता से वादा किया है कि हम की बार हम जीतेंगे तो चारों तरफ विकास करेंगे, विकास की नदियां बहाएंगे। देखिए, एनडीए की सरकार हमारे देश में है और बिहार में है, लेकिन महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गया है। महंगाई दिन दुना रात चौगुना के हिसाब से बढ़ते हुए जा रहा है, जिससे यहाँ की जनता को कमर तोड़ दिया है। इसलिए हम अपना झंडा बुलंद करने के लिए जगह जगह पर घूम रहे हैं और जनता से अनुरोध कर रहे हैं, हम की बार भाजपा भगा, राजपा लाओ, देश बचाओ और फूल गोभी खाकर सेहत बनाए और तारापुर उपचुनाव में जिता करके तारापुर का विकास कराए। जय हिंद, जय भारत, जय राजपा। आज आपने कहाँ कहाँ भ्रमण किया? देखिए, तारापुर उपचुनाव में हम पांचों प्रखंड बढ़ता है, सभी जगह हमने भ्रमण कर लिया है, इसी रास्ते से हम लोग जा रहे थे। और ठीक है, जनता ने कैसा भरोसा दिया आप? जनता ने बोला कि हम की बार बदलाव चाहिए, महंगाई से हम लोग तंग आ गए हैं, इसीलिए आपको राजपा पार्टी को जिताएंगे, जिता करके हमारे तारापुर को विकास करेंगे, हमने वादा किया है। अगर जीते हैं तो पूरे तारापुर में हम पूरा विकास का काम करेंगे और विकास का नदियां बहाएंगे, इसलिए हम पर भरोसा किया है। हम की बात तारापुर उपचुनाव में जरूर हमको यहाँ की जनता जिताएगी। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? हमारा चुनाव चिन्ह है फूलगोभी छाप है और बटन पांच नंबर में दबाना है, पांच नंबर में सीरियल नंबर ईवीएम में है, वहीं पर दबाने का हम लोग अनुरोध कर रहे हैं और जिताएंगे जरूर, हमें ऐसा विश्वास है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा आई एम द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी, अब इस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ और मेरा घर सीतामढ़ी जिला में पड़ता है और मेरा पटना और अन्य स्टेट में भी, जैसे दिल्ली हुआ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम, सभी जगह मेरा ऑफिस है। अगले जो विधानसभा में चुनाव हुआ था वहाँ पर 30 जगह से हमने चुनाव लड़ा था, बड़े बड़े दिग्गज को हराया था। उसके बाद पूरा इंडिया में हम लोकसभा का इलेक्शन 30 जगह से लड़ाए थे और बड़े बड़े को मात देने का काम किया था, इसीलिए बदलाव चाहिए। हमारा पहले प्रचार, फिर संचार, फिर सरकार बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय। आपने अपना उद्गार प्रकट